नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत और आज मैं बात करूंगा डीलर प्रिंसिपल के बारे में कि डीलर प्रिंसिपल कैसे होते हैं, वो अपने किसी एम्प्लॉय को अगर रखते हैं अपने अंडर पे तो वो किस तरीके से काम करके डीलर प्रिंसिपल को चूना लगाते हैं, उनको बुड़बक बनाते हैं, उनका मूर्ख बनाते हैं, उनको सारा पैसा उनका लगा रहता है, बट लपेटना, बटोरना, कस्टमर खराब करना, कस्टमर अच्छा करना, ये सब सारे सर्विस हेड का काम रहता है। सर्विस इंजीनियर, जो सर्विस मैनेजर जिनको बोलते हैं, जो एक वर्कशॉप उनके हाथ में जाता है और वो सबको केयर करते हैं, उनके अंडर में सारे लोग रहते हैं, जितने भी स्टाफ हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, एडवाइज़र हो गए, पार्ट्स मैनेजर हो गया, वारंटी इंचार्ज हो गया, बॉडी सब डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिक हो गया, डेंटर पेंटर वगैरह जितने लोग हैं सब सारे के सारे इनके अंडर में रहते हैं। डीलर प्रिंसिपल ने तो विलीप करके अपने एग्जीक्यूटिव लेवल को तो छोड़ दो, खैर वो तो अलग मैटर हो गया, जितने भी हेड लेवल के लोग हैं, जो सीनियर लेवल के लोग हैं, अगर मैं इन द फाइनल अगर मैं इंडिकेट करूँ तो सर्विस मैनेजर, इनके लिए कह रहा हूँ कि इनको हायर कर लेते हैं, इनको रख लेते हैं इस विलीप पे कि ये मुझे ऊपर लेके जाएगा। ऊपर लेके वो जाते हैं, ऊपर लेके वो जाते हैं, बट कितने कस्टमर को खराब करते हैं, कितने कस्टमर का बुरा हाल करके लेके जाते हैं, ये डीलर प्रिंसिपल को पता नहीं होता है। अल्टीमेटली अगर लॉस होता है तो किनका होता है? डीलर प्रिंसिपल का, जो किसी डीलर के एक ऑनर है, मालिक है, उनका नुकसान होता है। सर्विस मैनेजर को वैसे भी सैलरी मिली रही है, उनके नीचे वाले स्टाफ को भी सैलरी मिली रही है, बट जो बिजनेस एक्चुअली जितना जाना चाहिए उतने दूर तक बिजनेस नहीं जाता है, अल्टीमेटली जो है लॉस डीलर प्रिंसिपल को उठाना पड़ता है। ये बात डीलर प्रिंसिपल को पता नहीं चलता, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने बिजनेस में बिजी रहते हैं, इतने लोगों में बिजी रहते हैं कि उनका इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है कि कहाँ पे लैकिंग हो रही है, कहाँ पे उनका कस्टमर खराब हो रहा है। अगर सारे डीलर प्रिंसिपल का नंबर एक्सपोज किया जाए, मेल आईडी एक्सपोज किया जाए ना, तो उनको हर दिन कितना भी अगर कम रहेगा, हर दिन हर डीलर से 10-15 कंप्लेन उनके पास डायरेक्टली पहुंचेगी, अपना पॉइंट रखने के लिए, अपना फीडबैक रखने के लिए कि आपके सर्विस डिपार्टमेंट के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, सर्विस हेड कैसा काम कर रहे हैं, सर्विस मैनेजर कैसा काम कर रहे हैं, जीएम कैसा काम कर रहा है। टाइमिंग ऑफ ज्वाइनिंग, जिस समय स्टाफ का ज्वाइनिंग होता है तो जो भी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट ही हायरिंग करती है, वही वैकेंसीज को ओपन करती है, क्लोज करती है, जितने भी वैकेंसी रहे, रिक्रूटमेंट रहे, वो लेती हैं। तो सर्विस पे जितने भी आते हैं, सेल्स में जितने भी आते हैं, सबका हायरिंग उन्हीं को करना होता है, बट किस कॉस्ट में उठाया जाए, किस कॉस्ट पे नहीं उठाया जाए, उठा तो लेते हैं सस्ते कॉस्ट पे, अगर उनका डिमांड ऊंचा रहता है, ज़्यादा रहता है, कम कॉस्ट में अगर उठा भी लेते हैं तो वो बंदा काम करने के लिए वह नहीं आता है, वो बंदा काम करने के लिए उसके मेंटेलिटी में रहता है कि कब मौका मिलेगा, मैं कंपनी को डुबाऊंगा और चलते बनूंगा, यहाँ से कब से लपेटूंगा, चलते बनूंगा, क्योंकि उसको उस पैकेज पे आपने नहीं उठाया, काम सारा उठा लिया, सारा कस्टमर को इन्वॉल्व कर लिया, बीच में कभी भी उसको अच्छा ऑफर अगर आपसे मिल जाएगा, अच्छे पैसे में मिल जाएगा, तो बंदा वहां पे भाग जाएगा। तो वहां पे लॉस किसका हो गया? डीलर प्रिंसिपल का, सारे डीलर प्रिंसिपल का वहां पर लॉस हो गया। सर्विस मैनेजर, सर्विस हेड, एचआर डिपार्टमेंट को क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। उनको सैलरी मिलेगा, उनका टारगेट होगा चीफ, बट कैसे होगा? डीपली आप उनसे कभी भी बीच में रिपोर्ट पूछ लीजिए, सडनली रिपोर्ट पूछ लीजिए, और सडनली आप वहां पहुंच जाइए डीलर में, सडनली पहुंच जाइए, उसके बाद आप कोई सा भी रिपोर्ट उठा लीजिए, मैं लिख करके आपको दे देता हूं कि आपको कोई सा भी रिपोर्ट अप टू डेट नहीं मिलेगा। रिपोर्ट का टाइमिंग आप चेंज कर दीजिए, मत मांगिए सुबह शाम दोपहर, उनको बोलिए कि मैं जब बोलूँ अप टू डेट मेरे को रिपोर्ट चाहिए, मेरे को तुरंत मेल कर देना कभी भी, और जब भी आप रिपोर्ट मांगे तो करंट रिपोर्ट मांगे। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक भी रिपोर्ट पक्का नहीं मिलेगा। इस पे कुछ हो जाए ना, एक चीज़ हो जाए, पता चल जाएगा आपको कि कौन सा आपके सर्विस मैनेजर, सर्विस हेड, जीएम जो है वो एक्टिव है और आपके प्रति, आपके वर्कशॉप के प्रति वो काम कर रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो एक बार इस चीज़ को आप यूज़ करके देखना और आजमा कर देखना। कई ऐसे डीलर हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ पे सफ़र कर रहे हैं, कई डीलर ऐसा है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चला, उसका सडन क्लोज हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कैसे हुआ, सारे का सारे कस्टमर खराब, एम्प्लॉय खराब, एम्प्लॉय का ट्रस्ट खराब, क्योंकि जो सर्विस
मैनेजर, हेड, जीएम बैठे रहते हैं ना, वो सारे एम्प्लॉय के माइंड में ये भर देते हैं कि मालिक तुमको आज मारेगा, आज तुम्हें पीटेगा, अगर प्रिंसिपल के पास अगर सही से नहीं गया तो आज ये हो जाएगा, पूरा का पूरा नेगेटिविटी भर देते हैं ऑनर के खिलाफ। तो स्टाफ डर जाता है, भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है कि खराब कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, अल्टीमेटली नुकसान किसका है, डीलर प्रिंसिपल का है। इस चीज को मैंने जो आप भी बता रहा हूँ उस चीज को आप लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। मेरे नज़र में भी है 3 से 4 डीलर हैं, 5 डीलर हैं जो कि काम करने के दौरान 3 साल 4 साल में पूरी तरीके से टूट गया, टीम खराब हो गया, सारे का सारा दिन रहता है सिर्फ सर्विस मैनेजर जीएम लेवल वाले लोग का, उनका ही कहना रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे लेके जाना है, कैसे डुबाना है, कैसे उठाना है, ये सारा उनका ही रहता है। और बहुत बड़ी रेसिपी होती है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट माइंड रहता है इस चीज को चलाने के लिए। हर लेवल के लोग अपना काम कर रहे हैं, हर लेवल के लोग काम कर रहे हैं, तभी लोगों का टारगेट अचीव होता है, अपना जो भी हम लोगों को मिलता है वो हम लोग अचीव कर लेते हैं। बट खराब किसमें होता है, जब इस तरीके का डबल पॉलिटिशियन माइंड कह लीजिए, या फिर दो तरफा सांप जिसको कहते हैं वो समझ लीजिए, उस तरीके का अगर माइंड मेकअप, ईगो दिल में आता है तो उससे नुकसान किसी का नहीं होता है, किसी का नुकसान नहीं होता है। डीलर प्रिंसिपल अपने हर एक सर्विस मैनेजर जीएम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो उनको ट्रस्ट खोना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप करते हैं ठीक है, बट एक बार आप क्रॉस करें, सडन विजिट करें, सडन इंक्वायरी करें, सडन रिपोर्ट मांगें, तब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कितने लेवल पे है, कौन कितने पानी पे है। तो अगर ये वीडियो मेरे आपको समझ में आई हो, डीलर प्रिंसिपल को अगर ये बात समझ में आ रही हो कि मैंने क्या बताया, क्या समझाया, क्या एक्सपोज करने की कोशिश की, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अल्टीमेटली नुकसान किसी का नहीं है। आप वैसे भी उनको पैसा देते हैं, वैसे भी पैसा देते हैं। एक बार आप ट्राई करके देखें इस चीज़ को कि आपका बिजनेस हो, आपका आपके कस्टमर्स हों, जितने भी सर्विस के कस्टमर हों, सेल्स के कस्टमर हों, वो और ज़्यादा वॉल्यूम उनका बढ़ता है या वॉल्यूम कम होता है, इनकम बढ़ता है या इनकम कम होता है, एक बार आप ट्राई करके देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि लोगों को और पता चल सके, हमारा भी हो, स्टाफ का भी हो, एग्जीक्यूटिव लेवल का भी हो, मैनेजर लेवल का भी हो, सबको पता चल सके। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।